गौरव आर्य के बचाव में उनका वकील आया सामने और जब लाइव टीवी पर डिबेट के दौरान उनके वकील से कुछ सवाल पूछे गए तो उनके वकील ने डिबेट को बीच में ही छोड़ दिया। गौरव आर्य कौन है मैं आपको बताती हूँ। रिया चक्रवर्ती की ड्रग चैट्स जो वायरल हो रही है, उस चैट में 2017 में एक चैट है जो उन्होंने गौरव आर्य से की थी। ड्रग्स के बारे में दोनों का डिस्कशन हो रहा था कि ये ड्रग ट्राई किया, वो ड्रग ट्राई किया, इस तरह से कहा गया कि गौरव आर्य जो है वो ड्रग डीलर है। और तभी से गौरव आर्य को मीडिया ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब सामने आया कि गौरव आर्य जो है वो गोवा में है, मुंबई में नहीं है। और अब गौरव आर्य के वकील मनु शर्मा सामने आ गए हैं। मनु शर्मा ने मीडिया में इंटरव्यूज देना भी शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि ये जो भी चैट वायरल हो रही है, ये चैट 3 साल पहले की है। ये चैट कितनी ऑथेंटिक है इसकी जानकारी उनको नहीं है, लेकिन अगर जांच एजेंसीज उन्हें समन करती है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, तो वो डेफिनेटली वहां पर जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। मनु शर्मा का कहना है कि उनके क्लाइंट गौरव आर्य का इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही वो किसी भी तरह के ड्रग्स में डील करते हैं। गौरव आर्य कहां है, इस सवाल का जवाब देते हुए मनु शर्मा कहते हैं कि वो गोवा गए हैं, उनका फोन आउट ऑफ रेंज है, नई सिम के लिए अप्लाई किया गया है और वो आते ही गौरव आर्य फिर से अवेलेबल हो जाएंगे। इसी दौरान मनु शर्मा से जब उस चैट के बारे में और ड्रग्स के बारे में और ज्यादा सवाल किए गए तो गौरव आर्य ने ये कहकर डिबेट छोड़ दी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों को ही जवाब दूंगा, मैं मीडिया के दबाव में आकर बयान नहीं दूंगा। तो कुछ इस तरह से गौरव आर्य के वकील अब सामने आ गए हैं और उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि ना ही इस चैट का कोई मतलब है और वो जो भी जवाब देंगे वो डायरेक्ट जांच एजेंसीज को ही देंगे, मीडिया के सामने वो कोई भी जवाब देने में बिलीव नहीं करते हैं।